सब गाइस स्वागत है आप लोग की और एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो पर मैं टेस्ट करने वाला हूँ स्ट्रीट फाइटर 5 गेम इन माय लोअर लैपटॉप जो i3 8th जनरेशन और इंटेल u16 एक लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ स्ट्रीट फाइटर 5 गेम और दिखाऊंगा कि आप लोगों को मुझे कितने पैसे मिलता है इन दिस गेम। तो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं दो बंदों को बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूँ। पहले तो आज का जो इंट्रो आप लोगों ने देखा वो इंट्रो बनाया है अर्थ जगतप भाई ने, बहुत मेहनत करके उन्होंने बनाया है, तो बिग शाउट आउट टू हिम। एंड उनके इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके उससे उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह कर सकते हो, उनसे बात वगैरह भी कर सकते हो। और नेक्स्ट जो मैं जो बंदे को शाउट आउट दूंगा वो है रेमो इज गेमिंग, क्योंकि जो पिछले दो तीन वीडियो का इंट्रो आप लोगों ने देखा बहुत ही सिंपल अच्छा सा इंट्रो था वो बनाया था रेमो इज गेमिंग ने, तो बिग शाउट आउट टू हिम। वो इंट्रो भी मुझे अच्छा लगा था बट ये इंट्रो मुझे बहुत ज़्यादा फाड़ू लगा था, तो मैं इसको ही नॉर्मली यूज़ करूँगा, बट वो इंट्रो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। नाउ गाइस बैक टू द वीडियो। एंड अगर आपका मेरे जैसा सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो आपको कितने पीस मिलेगा इन दिस गेम, इसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। और कैसे अगर आपका थोड़ा मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है, आपको अपना स्पेसिफिकेशन जो है कमेंट करना है, मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितने पीस मिल सकते हैं इन योर स्पेक्स इन दिस गेम। तो गाइस वीडियो को पूरा देखते हैं ना, चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा है ग्राफिक्स सेटिंग्स की, कौन से ग्राफिक सेटिंग्स में मैं गेम को चला रहा हूँ। तो मैंने जो रेजोल्यूशन रखा है 1280x720p है, फुल स्क्रीन मोड ऑन है। अभी मैं जो पिक्चर क्वालिटी पे चाहूँगा तो सब कुछ मैंने लो सेटिंग्स करके रखा है। रेजोल्यूशन स्क्रीन मैंने 100 ही रखा है और जो भी सेटिंग्स देख सकते हो सब कुछ मैंने लो सेटिंग्स करके रखा है। तो सिंपली 720p लो सेटिंग्स में मैं गेम को टेस्ट करूँगा, दिखाऊंगा कि आप लोग मुझे कितना पैसा मिलता है। हम लोग सीधा आ गया गेम पे, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रैप्स और MSI Afterburner जो दोनों में यूज़ करता हूँ उनमें से कोई भी इस गेम में काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको FPS नहीं दिखा पाऊंगा। बट आप लोग FPS को जज वगैरह कर सकते हो कि कितने FPS बेसिकली मुझे देखने के लिए मिल रहा है इन दिस गेम। एंड आप लोग देख सकते हो, मुझे जितना लगता है कि जो FPS इस गेम में मुझे देखने के लिए मिला है वो मुझे लग रहा है आराम से 30 FPS तो जा ही रहा है, बट उसके ऊपर मुझे पता नहीं चल रहा है, सॉरी गाइस फॉर दिस। बट आप लोग देख सकते हो गेम ठीक ठाक ही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, कोई जो है दिक्कत वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा है गेम पे। एंड अराउंड मुझे लगता है 30 FPS एंड उसके ऊपर भी कभी कभार जा रहा है मुझे लगता है जितना। बात किया जाए गेम की ऑप्टिमाइजेशन को लेकर, तो एक्चुअली ये जो गेम है इसका ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करूँ मैं, तो ऑप्टिमाइजेशन को मैं ठीक ठाक ही कहूँगा, क्योंकि जो गेम चल रहा है बहुत अच्छी स्मूथ तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा है गेम पे बेसिकली। तो उसके हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन को भी मैं कुछ बुरा नहीं कहूँगा मेरे दिख से। एंड गाइस अगर आपका मेरे जैसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो आपको भी सेम FPS देखने के लिए मिलेगा इन दिस गेम। एंड अगर आपका थोड़ा मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो आपको जो है आपका स्पेसिफिकेशन जो है कमेंट कर देना, मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितने पीस मिल सकते हैं इन योर स्पेस इन दिस गेम। एंड अगर आपके पास इंटेल HD का भी ग्राफिक है तो भी ये गेम मुझे लगता है, क्योंकि रेजोल्यूशन आप लोग 720 करके रेजोल्यूशन स्केलिंग को 80-70 ऐसा करके आप अच्छी तरीके से इस गेम को एक्चुअली खेल सकते हो। कोई बहुत बड़ी जो है गेम नहीं है ये, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन लगेगा खेलने के लिए, क्योंकि मेरा जो स्पेसिफिकेशन पर अच्छे तरीके से चल रहा है। और जो मेरा जो मुझे जो है इस गेम के कंट्रोल के बारे में उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं थोड़ा वगैरह कंट्रोल जानता हूँ, तो कंट्रोल को जज मत करना। जब आप खेलोगे तो आप अपना कंट्रोल लेके अच्छी तरीके से गेम को खेलना, मुझे उतना अच्छी तरीके से इसके कंट्रोल के बारे में पता नहीं है। गाइस बात की जाए इस गेम के बारे में तो ये काफ़ी एक पॉपुलर सीरीज़ है, ऐसा नहीं कि पॉपुलर नहीं है, स्ट्रीट फाइटर जो है काफ़ी पॉपुलर सीरीज है। इसका 5 वर्जन है स्ट्रीट फाइटर 5। इसमें आप स्टोरी मोड खेल सकते हो, वर्सेस मोड खेल सकते हो, अगर आपके पास ओरिजिनल गेम होगा तो आप ऑनलाइन खेल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। काफ़ी मज़ेदार गेम है, काफ़ी आपको मज़ा आएगा खेल के, लिटरली बिलीव मी। अगर आपको जो है ये गेम खेलना है तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस गेम को खेलने के बाद आपको। और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि कम पॉपुलर सीरीज़ है। और स्टोरी वर्सेस बहुत बहुत सारा चीज़ है, तो आप खेल के बोर नहीं होगे, काफ़ी फन टू प्ले गेम है। और आपको फुल जो है कंट्रोल, जो नए नए मूव्स होते हैं उनके बारे में अगर अच्छी तरीके से पता है तो आपको खेल के और भी मज़ा आएगा लिटरली। और बात की जाए इसके ग्राफिक क्वालिटी के बारे में, तो एक्चुअली इसका जो ग्राफिक क्वालिटी है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब ग्राफिक क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि काफ़ी ऐसे गेम में ग्राफिक क्वालिटी का उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट इसके ग्राफिक क्वालिटी टेक्सचर वगैरह डिटेलिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है मुझे लगता है। तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा ओवरऑल मैं गेम को काफ़ी अच्छा कहूँगा। एंड गाइस दिस गेम इज़ फुल्ली प्लेबल ऑन इंटेल u16, आप अच्छी तरीके से इंटेल u16 पर 720p सेटिंग्स पर खेल सकते हो, इवन 768p पर खेल सकते हो। इंटेल u16 में खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफिक वगैरह भी अच्छा है लो सेटिंग्स के हिसाब से, तो आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा गाइस, वीडियो आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल बना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलता है सबके लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।